ग्रेविटेशन पे ये क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी पे, एस्केप वेलोसिटी की ये फॉर्मूला रही। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको उसे डिराइव करने की क्षमता होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अर्थ हैज अ मास 9 टाइम्स एंड अ रेडियस ट्वाइस टू दैट ऑफ अ प्लैनेट पी, यानी आपका रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। If Earth has a mass 9 times the mass of the planet and radius twice to that of a planet P, then VE, जो कि escape velocity of the Earth है, वो ऐसे calculate होगा, will be minimum velocity required by a rocket to pull out of the gravitational force of the planet P. Clear question, escape velocity पे ये रहा formula. अगर ये याद नहीं है चिंता की कोई बात नहीं। सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये रहा। हाइट, एक मैक्सिमम हाइट h पे काइनेटिक एनर्जी, वहां अगर वेलोसिटी v अज्यूम किया जाए, और ये पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, देखो हाफ एम यू स्क्वेयर माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर प्लस दिस। अब बताओ ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इस तरफ था, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इधर आ गया, इक्वल टू ये हाफ एम वी स्क्वायर। ये वी क्या है? वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और द रॉकेट एट द हाइट एच। अगर वो जीरो हो जाए तो वो वापस रिटर्न आ सकता है, जीरो वो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स दिस वी should not be equal to zero and this kinetic energy should necessarily remain positive. अगर इसको positive होना है, ये तो यार ये वाला term तो है ही positive। याद रखो इसका मतलब क्या हुआ कि this thing has to be positive। ये चीज को भी positive होना है, मतलब half mu square greater than g mm by r। तो अगर स्मॉल m को हटा दिया जाए, जस्ट अ मोमेंट, g कैपिटल m स्मॉल m बाय कैपिटल r, अगर स्मॉल m को हटा दिया जाए तो फिर u स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन 2g कैपिटल m बाय r। ये लो यार, ये आपका एस्केप वेलोसिटी, u इक्वल टू v एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां से आप उसको रिलीज करोगे, और ये एस्केप वेलोसिटी यहां लिखा हुआ है। मैंने थियरी आपके लिए रिवाइज कर दी, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, और थोड़ी जल्दी के साथ यहां थोड़ा जगह बना लेते हैं। लेट्स से इसे हटाओ। अब आओ, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वी अर्थ एस्केप वेलोसिटी क्या होगा? वैल्यू 2 जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर। एंड वी ऑफ द प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट क्या होगा? 2 जी स्मॉल एम बाई स्मॉल आर रेस्पेक्टिवली। अब डायरेक्ट कन्वर्जन कर दो, आपके पास कन्वर्जन का यहां पे मेथड है। वो लोग क्या चाहते हैं, ये किसका वैल्यू है? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय रॉकेट टू पुल आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ पी, मतलब वीपी निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ escape velocity of the earth। ये small m capital m by 9, ये जो small r है ये capital r by 2। ये लो, अब क्या बोलोगे? root of 2 gm by capital r अलग छोड़ो, और ये root of 2 gm by capital r, root 2 अलग कर दो, 3 अलग कर दो, ये क्या हुआ? velocity escape from earth, और ये क्या हुआ? रूट टू बाई थ्री। ये क्या हुआ? वी पी एस्केप, वी अर्थ एस्केप। अब बोलो डियर, ये वी ई इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम वेयर? एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ, ये है वी ई रूट एक्स बाई थ्री। आपका एक्स का वैल्यू कितना आया? एक्स इक्वल टू 2 डायरेक्ट। ये लो, ये क्वेश्चन है कंप्लीट, ग्रेविटेशन पे एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। थैंक यू।